डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी आई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप। तो उससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप। तो देखो, दोनों टॉपिक का जो डेरिवेशन है वो एक जैसा ही है। तो टेलीस्कोप को पढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को माइक्रोस्कोप पढ़ना है अच्छे से, ताकि इसको समझने में आसानी रहे। तो देखो, माइक्रोस्कोप क्या था, वो छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाता था। टेलीस्कोप जो होता है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनका बड़ा इमेज बनाता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which make large image of distant object क्लियर है। मतलब दूर के ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाती है, क्योंकि अपने को पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपने से दूर होता जाता है तो विजुअल एंगल डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने को छोटा दिखाई देने लग जाता है। तो उसको बड़ा करके अपने को दिखाता है टेलीस्कोप। अच्छा, उस जैसे मून को देखना है अपने को, या फिर कोई और प्लेनेट स्टार को देखना है, तो उसके लिए भी हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। हालांकि वो जो टेलीस्कोप होते हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अच्छे से बड़ा करके अपने को दिखा देते हैं। बड़ा कैसे करते हैं, उसके लिए हमने विजुअल एंगल का कंसेप्ट पढ़ लिया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आई के ऊपर जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं विजुअल एंगल। सपोज दैट यहाँ पर अपनी आई है, तो ये एंगल बना रहा है ये, तो ये हो जाएगा विजुअल एंगल। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट इसको हमने यहाँ पर रखा, तो अब हुआ क्या, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना एंगल बनाएगा, तो विजुअल एंगल जो है वो डिक्रीज हो चुका है, तो ये ऑब्जेक्ट अपने को अब छोटा दिखने लगेगा। तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप क्या करते हैं, इनका विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट अपने को बड़ा दिखने लग जाता है। क्लियर है? तो ये है टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट, टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं, वो सेम वही है जो माइक्रोस्कोप की होती थी। तो फॉर्मूला हो जाएगा इमेज, सॉरी, एंगल, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई अपॉन में विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। इसको हम बीटा लिखेंगे इस वाले एंगल को, और इसको लिखेंगे अल्फा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे, देखो, एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन में अल्फा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे टेलीस्कोप के टाइप की। तो टेलीस्कोप जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज, इसको नोट कर लेना। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन काम में हम लेते हैं, मतलब लेंस काम में लेंगे, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन काम में लेते हैं, रिफ्लेक्शन मिरर करता है तो इसमें हम मिरर का यूज़ करेंगे, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद भी इनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में अपने को डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बहुत टाइप के होते हैं, अपने यहां पर दो टाइप के हैं, एक है कैसग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्लियर है। तो ये है, ये साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके बेस पर ही इनको हम कैसग्रेनियन और न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, क्लियर है। तो ये अपने को सिलेबस में पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट है अपना एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो देखो इस टेलीस्कोप में भी माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही है इसकी जो स्ट्रक्चर है। इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, अपेर्चर भी बड़ा होता है, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जिसका अपेर्चर और फोकल लेंथ स्मॉल होती हैं। इस केस में ये वाला जो लेंस होगा ये आई की तरफ होगा, इसलिए हम इसको आईपीस या आई लेंस बोलते हैं, आईपीस या फिर आई लेंस। और ये वाला जो लेंस होता है ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये दोनों लेंस होते हैं ये एक ट्यूब के ऊपर लगे होते हैं, और ये जो ट्यूब है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, दो लेंस होंगे, एक बड़ा लेंस होगा एक छोटा होगा, दोनों ही कन्वेक्स नेचर के होंगे। ये लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस LO, और ये लेंस आई की तरफ होगा इसलिए इसको हम बोलेंगे LE, आईपीस या आई लेंस, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, काम कैसे करता है उसको समझते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो देखो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझ लेना, बाकी ये सेम एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसको हेडिंग डाल लेना। तो डायग्राम बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये अपना आईपीस है, एल ई आईपीस, और ये है एल ओ ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। इसकी फोकल लेंथ सपोज दैट एफ जीरो है या एफ ओ है, इसकी फोकल लेंथ है एफ ई। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे काफ़ी डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस मान सकते हो। जैसे मून को अगर अपने को देखना है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। क्लियर है कि नहीं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दैट ये मून है, यहाँ पर इसको अपने को देखना है, ये ऑब्जेक्ट है अपना। ये सपोज दैट इसका जो फोकस पॉइंट है ये यहाँ पर है एफ ओ। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी जो इमेज बनती है वो फोकल प्लेन में बनती है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे जो लाइट आती है वो पैरेलल आएगी। तो देखो यहाँ से हम दो लाइट रेज ले लेते हैं, दोनों पैरेलल होंगी। तो एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे ले लेते हैं, तो बिना डेविएट वे सीधे निकल जाती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी लाइट रेज ये ले लेते हैं यहाँ से, इसके पैरेलल ही। क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा मान लो ताकि समझने में दिक्कत नहीं रहे। तो यहाँ से दो लाइट रेज आ रही हैं। अब ये तो बिना डेविएट वे सीधे निकल जाएगी, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखो डायग्राम को अच्छे से बनाना, डायग्राम के ही मार्क्स होते हैं इसमें। क्लियर है। अब ये जो लाइट है इसको, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्ज कर देगा, बेंड कर देगा, और ये लाइट ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इसकी जो इमेज है वो फोकल प्लेन में बनेगी। तो ये अपना फोकल प्लेन है, तो इसकी जो इमेज है यहाँ पर बनेगी। स्केल से ठीक बनाना है डायग्राम को, तो ये इमेज बन जाती है इसकी। ये इमेज डिस्टेंस है इसलिए इसको हम वी जीरो से लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए वो लगाया हमने। क्लियर है। अब ये जो इमेज है, सपोज दैट इसका नाम है ए डैश बी डैश, ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर है कि नहीं। अब इसकी जो फाइनल इमेज है ये वाला लेंस बनाएगा। तो देखो इस लेंस का जो फोकस है वो मान लेते हैं यहाँ पर है एफ ई, इतनी डिस्टेंस पर इधर बना देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट इसके ओ और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो इधर ही बनेगी, इरेक्ट होगी और लार्ज होगी। देखो कैसे बनती है। तो इमेज बनाने की दो लाइट रेज लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, तो ये फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे लेते हैं, तो ये बिना डेविएट वे सीधे निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर तो ये लाइट रेज दूर होती जा रही है, तो इधर तो ये मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं। तो देखो इसको हमने पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पर मिलती हुई अपीयर होंगी। तो जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पर बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर है। ये डायग्राम है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो अब पूरा डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, अल्फा जो होता है अपना ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है, तो ये अल्फा हो गया। फाइनल इमेज ये है, तो ये फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी उसको हम कहते हैं बीटा, तो ये एंगल हो जाएगा बीटा। इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे यू से, ई वाला लेंस है तो यू ई लिख देंगे। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी और इधर की नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है। तो ये है एक डायग्राम, इसको अच्छे से समझ लो। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है,
इसके सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी अपने को इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं और इमेज जो है वो फोकल प्लेन में बनती है, तो इसका हम फोकस मान लेते हैं। तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है, ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसकी जो फाइनल इमेज है ये वाला लेंस यहाँ पर बनाएगा। क्लियर है? तो ये है डायग्राम। अब अपने को इसका मैग्निफिकेशन निकालना है m। तो देखो m का फॉर्मूला होता था बीटा अपॉन में अल्फा, तो ये तो बीटा है डायग्राम में देखो, और ये है अपना अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो देखो ये वाला भी एंगल अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो ट्रायंगल है ओ डैश ए डैश बी डैश, इससे तो हम टेन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इस वाले ट्रायंगल से ओ ए डैश बी डैश से टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर, हियर अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, सो बीटा को हम लिख सकते हैं टेन बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा। तो क्यों लिखते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपना मैग्निफिकेशन का एम इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। क्लियर है? अब टेन बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश से इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश। देखो ये वाले ट्रायंगल देखना, इसमें टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश अपॉन में बेस ए डैश ओ डैश, और ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश ओ को हम लिख सकते हैं, देखो ये डिस्टेंस माइनस का यू ई, तो ये आ गया अपने पास टेन बीटा की वैल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ओ, इससे हम निकालेंगे टेन अल्फा की वैल्यू, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश टेन अल्फा इक्वल्स टू, देखो इसमें टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में इसका ये बेस है, तो ए डैश बी डैश अपॉन में ओ ए, और ओ ए जो है इसको हम लिख सकते हैं वी नोट, या फिर देखो इधर देखो इसकी फोकल लेंथ ही है तो इसको हम एफ नोट भी लिख सकते हैं, ये फोकस है इसका तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी, तो इसको आप एफ नोट भी लिख सकते हो। तो इसको हम लिख देंगे ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ओ, तो ये निकल गई टेन अल्फा की वैल्यू। अब टेन अल्फा और टेन बीटा की ये जो वैल्यू हैं इनको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें वैल्यू पुट कर दो टेन अल्फा और टेन बीटा, तो देखो नई इक्वेशन आ जाएगी अपनी, कर दो पूरी बात, चलो चालू है। तो देखो ये m है tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो इनमें tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो tan बीटा है a डैश b डैश अपॉन माइनस यू ई, तो जाएगा a डैश b डैश अपॉन में माइनस यू ई डिवाइडेड बाई tan अल्फा a डैश b डैश अपॉन एफ नोट ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये एफ नोट पल्टी मार के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एफ नोट अपॉन में यू ई माइनस का, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है टेलीस्कोप में एफ नोट अपॉन में
यू ई, क्लियर है। इसको इक्वेशन फोर दे दो। अब हम वही दो केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस होगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, और सेकंड केस होगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्लियर है। तो केस फर्स्ट हम स्टडी करते हैं।